हेलो, नमस्ते सर. मेरा नाम साक्षी है. सर, एक इंडियन सिटीज़न और एक पंजाबी होने के नाते मेरा एक सवाल आपसे ये था कि रिसेंटली मैं पंजाब अपने होम टाउन विज़िट करके आई थी, और वहाँ पे कितने सारे बैनर्स ऐसे थे, गाड़ियाँ ऐसी थी, जब खुलेआम कुछ रेडिकल एलिमेंट्स जो पास्ट में से रहे हैं, जैसे कि जरनैल सिंह भिंडरावाला, इन सबके पोस्टर्स सरेआम लगे हैं. और हमारी ऐसी यूथ है जो ऐसे देशों में जाके अपॉर्चुनिटीज़ लेती है, जिनके एमपी खुलेआम, मतलब ऐसे लोगों को एमपी बनाया जाता है जो खुलेआम इस सोच को सपोर्ट भी करते हैं. तो जब हमारी यूथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए जा रही है, जिन्हें हम रोक नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिक उसके फायदे होते हैं, लेकिन जब रेडिकलाइजेशन किसी देश के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ऐसे देश जैसे कि कैनेडा या एक्सेट्रा, ऐसे देशों के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी? ऐसी चीजों कैसे रोकें, कहीं ये ना हो कि कश्मीर जैसे पाकिस्तान हो जाए, पंजाब भी हो जाए. आप ट्विटर फॉलो करते हैं? हाँ, करते हैं ना. डिड यू सी माई ट्वीट यस्टरडे? इफ़ यू हैवंट, आई वुड रिकमेंड. पिछले दो दिन में एक फैशन चल रहा है सिंगल वर्ड का ट्वीट. हाँ, तो मुझे लगा कल कि मैं भी एक सिंगल वर्ड ट्वीट कर लूँ, तो मैंने एक वर्ड ट्वीट किया, एकता. मैंने ट्वीट किया क्योंकि मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर था, तो मुझे लगा इन आवर कंट्री एकता इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई स्टैचू ऑफ यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मोस्ट ऑफन व्हेन आई कम टू गुजरात, आई कम देयर बिकॉज अ लॉट ऑफ माय वर्क इज एसोसिएटेड विद दैट. एंड ये देखिए, अगेन मैंने कहा ना कि वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव प्लेस. अगर हमारे यहाँ आपस में कई डिविजन्स हो, ये लैंग्वेज के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, एथनिसिटी, जो भी हो, दुनिया में ऐसी ताकतें होंगी जो उसका फायदा उठाना चाहेंगे और पहले उठा भी चुके हैं. माने अवध में जब आए थे वो ऐसे ही आए थे, वो माने बट कहीं कहीं ना कहीं उनको दो लोग लड़े, वो बीच में घुस गए, किसी का फायदा उठाया और उन्होंने अपना काम कर लिया. So it is very important for us at home, एकता. और जो आप कह रहे हैं, अगर बाहर की पॉलिटिक्स या बाहर की सरकारें जो भी हैं, अगर वो ऐसा कुछ करें जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द करेज टू कॉल इट आउट कि ये नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना चुप रहना चाहिए. So if they do something which affects us, if we can take a position on oil for the common citizen, 100% we can take a position on national unity of the country. And we are doing it. That also I will tell you. I mean, some time ago I had a, because aapne specific ek reference liya, I will tell you very frankly. Some time ago, I had a conversation with my Canadian counterpart. And I told her very frankly, देखिए, आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने यहां करना तो कर लीजिए, वहां बैठ के मेरे यहां नहीं करिए. This I will not accept. So, I will envy the person who is foreign minister in 2047. But I will tell you one thing. To be foreign minister of Narendra Modi government is also a great strength. And there are core beliefs, there is confidence, there is a attitude. And I think the world is recognizing that.